भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब प्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। दीदी बस हो गया, अब आपने सीमा पार कर दिए। दीजिए हाथ छोड़, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लक्ष्मी नहीं छोड़ूंगी हाथ। सुनिए, कारखाना नहीं है, घर है, और यहाँ मैं जेठानी हूँ और तू देवरानी है, और देवरानी को औकात में रखा जाता है, समझी? हाथ मरोड़कर हाथ उठाने लायक नहीं छोड़ती, अगर आप बड़ी है ना, इसलिए बस ऐसा नहीं कर रही। दीदी चीजों को और मत उलझाइए, समझा कर मिन्नतें करके अगर कोई ना सुने ना, तो आखिरी हथियार यही बचता कि कुछ भी करके उसका इलाज किया जाए। तो अब मैं आपका इलाज करूंगी। बहुत नाच नचाया तुम दोनों ने, अब देखो कल से मैं क्या करती हूँ। दरअसल कल से मैं मेघनाथ बनूंगी, रमा लक्ष्मी को छोटी बिरादरी का समझकर उनका जीना हराम कर दूंगी। अब इन सबकी जिंदगी में दूसरा मेघनाथ बनूंगी। ओ शिशुपाल बाहर आ जा। बेटा है ना तू मेरा, तो ऐसे ही यहाँ बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि आज बहुत बुरा लग रहा होगा तुझे। नौकरी से निकाल दिया गया है तो बहुत दुख हो रहा होगा। नहीं, ऐसे ही मेरे मन में ख्याल आया कि तुझे कुछ दूं, कुछ ऐसा के तेरे मन को थोड़ी शांति मिले। ये ले, ये कटोरा लाया हूं तेरे लिए। क्या हुआ? अरे ऐसे क्यों देख रहा है? बड़े काम की चीज है ये कटोरा। देख, नौकरी से तो निकाल दिया गया है तुझे, अब कोई ना कोई काम तो करेगा ना। अरे घर चलाने के लिए पैसे चाहिए कि नहीं, तो उन सब में बड़ा काम आएगा ये कटोरा, भीख मांगने के ले। चलिए अंदर। रुको, दिख नहीं रहा है तुझे हा? एक बाप अपने बेटे को उसके आने वाले कल के लिए संवार रहा है और तू अंदर जाने की बात कर रही है। चुपचाप यहीं खड़ी रह। ले बेटा ले, शर्मा मत। कितना अच्छा लग रहा है ना इस कटोरे के साथ। अच्छा लग रहा है। बाबा, जब से आपके हिसाब से अलग चलने लगा हूं, तब से पहली बार आपने कुछ दिया है। रख लूंगा आपका आशीर्वाद समझकर।
अरे रुक रुक रुक, अभी तो और भी कुछ देना है तुझे, इतनी भी क्या जल्दी है बेटा। याद है कुछ सिक्के वहां टेबल पर छोड़ दिए थे तूने, अपनी पहली कमाई के, याद है? वही तुम्हारे चंद सिक्के पहली कमाई वाले, ये तुझे भीख के रूप में वापस दे रहा हूं। ले, तेरे भीख मांगने की शुरुआत तो हो गई, अब इसी तरह से हाथ हिलाते हुए सबसे भीख मांगना। ओ आई, ओ आई, मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, थोड़े पैसे दे दो। ए भैया, ए भैया, मुझे घर चलाने के लिए राशन नहीं है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। ओ भाई साहब, वो नौकरी चली गई है, इसे भीख मांग रहा हूँ, पैसे दे दीजिए। ऐसा ऐसा ऐसी आदत डाल ले तू, क्योंकि अब इसी इसी आवाज के साथ जीना है तुझे। ये सब कुछ उस भीमराव के कारण हो रहा है। अरे देख अपने आप को, राजा से एक भिखारी बना दिया तुझे। अरे अब तो अकल से काम ले, छोड़ उस भीमराव की संगत। याद है बाबा, जब मैं छोटा था और रोता था, तब आप ऐसे ही बर्तन में कुछ सिक्के डाल के ऐसे ही बजाने लगते थे और मैं चुप हो जाता था। पता नहीं इस आवाज से ऐसा क्या संबंध था कि मैं हंसने लगता था, और आज यही आवाज रुला रही है बाबा। कैसे समय बदल जाता है, और कैसे इंसान के बदले हुए समय को देखने का तरीका। समझ सकती हूँ, और अब आप बस इतना समझिए
कि रात में परेशानी घुली हो तो सुबह का सवेरा कुछ समाधान लेकर आता ही आता है। संभालिए खुद को। से तो मेरी जिंदगी बदल गई है, अब मुझे भी थोड़ा बदल कर रहना होगा, थोड़ा तेवर में रहना होगा। मैनेजर वाला तेवर में रहना होगा। चल करो ना, सबको हैसियत में रखते हैं। करुणा, ये क्या बोल रही हो तुम? अपने काम से काम रखो ना। ये क्या दूसरों को हैसियत दिखाने वाली बातें कर रही हो? क्यों, आपको बुरा लग रहा है? जब उन लोगों ने मुझे भला बुरा कहा, कारखाने में मेरा जीना नरक कर दिया और बार बार बोलने पर भी क्षमा नहीं मांगा, तब आपको बुरा नहीं लगा? ऐसा नहीं है करुणा, तुम गलत समझ रही हो। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि बात बढ़ाने से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा इस पर बाद में सोच लेंगे, फिलहाल जो मैं सोच रही हूँ ना, सही सोच रही हूँ। मैं जाती हूँ। आप बस इतना सोचिए कि आप मेरे साथ हैं या नहीं। चलो उठ, घर का काम कौन करेगा? थोड़ी देर और सोने दीजिए, फिर करती हूँ काम। उठ, तेरे बाप का घर नहीं है ये। हाँ नहीं है, मगर बाप का नाम नहीं लेंगी आप। उठ, चुपचाप उठ। सुन, मैं कुछ भी कह सकती हूँ, क्योंकि पहले ना कारखाने में मैं तेरी नीचे रही, लेकिन अब यहाँ मैं जेठानी हूँ और वहाँ कारखाने में तेरी मैनेजर हूँ, तो हर जगह तुझसे ज्यादा हैसियत है, इसलिए जो मैं कहूँ उतना कर। नहीं करूँगी मैं। करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी। करना पड़ेगा। करुणा, लक्ष्मी का हाथ छोड़। बुआ, अब जाइए यहाँ से, ये देवरानी और जेठानी की बात है। कारखाने की मैनेजर और वहां काम करने वाली एक मजदूर की बात है। ये जेठानी और देवरानी की बात नहीं है, ये तेरी जाति की बात है। ये लक्ष्मी के हाथ दुखने की बात है, इसलिए उसका हाथ छोड़। जी, हाथ छोड़िए मेरा। अच्छा, बुआ दिखी नहीं कि पैश में आ गई तू? नहीं छोड़ूंगी हाथ। क्या कर लेगी? और देखती हूँ कि बुआ कैसे तेरा हाथ छुड़ा लेती है। मैं अभी तक जिंदा हूँ करुणा, मरी नहीं हूँ कि ये सब होने दूंगी। चल छोड़ हाथ, हाथ छोड़। हाथ छोड़िए ना। नहीं छोड़ूंगी करुणा। करुणा हाथ छोड़।
बुआ क्या हुआ आपको? बुआ क्या हुआ? क्या हुआ? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बाबा बाबा इन्हें अस्पताल ले चलते। बाला भैया आइए। डॉक्टर साहब अभी कैसे हैं वो? देखिए हमने इंजेक्शन तो दे दिया है लेकिन इनके रीढ़ की हड्डी में चोट बहुत गहरी लगी है। तो मुझे नहीं लगता कि 8-10 दिन से पहले ये ठीक हो पाएंगी। बाकी देखते हैं। डॉक्टर साहब मेरी बहन ठीक तो हो जाएगी ना? जी हाँ आप चिंता मत कीजिए ठीक हो जाएंगी। दीदी बाहर चलिए आपसे बात करनी है। बाहर चलिए आपसे बात करनी है। अब बताइए बुआ को धक्का क्यों दिया आपने? ये सवाल तो मुझसे ही क्यों पूछ रही है? लक्ष्मी से भी पूछ सकती थी ना? क्योंकि लक्ष्मी दीदी बुआ को धक्का दे ही नहीं सकती। हाँ तो मैंने भी धक्का नहीं दिया है। झूठ मत बोलिए आप। जब मैं वहाँ आई थी ना तो वहाँ बुआ गिरी थी और वहाँ बस आप और लक्ष्मी दीदी थी, तो आपने कैसे धक्का नहीं दिया? सच सच बताइए वरना मैं घर में सबको बता दूंगी। हाँ तो जा जा जाकर बता दे सबको। और तू यही तो करेगी क्योंकि तू यही करती आई है। दरअसल लोग ना गलत कहते हैं कि भीम रमा अपनी बिरादरी के लोगों की समस्याओं को ढूंढते रहते हैं ताकि उसका समाधान कर सके, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। भीम और रमा आग ढूंढते रहते हैं जिससे कहीं भी आग लगाई जाए और उससे मजा लिया जाए। जा जा बुला सबको और बता दे कि धक्का मैंने दिया है। और हाँ तेरी बात तो मान भी ली जाएगी, लेकिन हाँ एक बात जान ले, इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और मैं कुछ बिगड़ने दूंगी भी नहीं। मुझे बताया करुणा ने वहां क्या हुआ था? आई मेरा मकसद बुआ को धक्का देना नहीं था। मैं और लक्ष्मी उलझे थे और बीच में बुआ आ गई लक्ष्मी का पक्ष लेके, उसी में धक्का मुक्की हुई और बुआ गिर गए। और जब बुआ चिल्लाई तो रमा आ गई वहां और उसने मुझे और लक्ष्मी को साथ खड़ा देख लिया। अब देखना आई देखना वो बाद में बवाल करेगी। ऐसे कैसे बवाल करेगी? हम सब मर गए हैं क्या? परेशान मत। और वैसे भी दीदी अब गिरती है, उन्हें चोट लगती है, परेशानी होती है, उससे अब मुझे बुरा नहीं लगता है। और तुम्हें भी बुरा ना लगे तो ही अच्छा है, क्योंकि तेरी परेशानियों से उन्हें कौन सा बुरा लगता है। चल करुणा, अब दीदी 8-10 दिन यहाँ से आएगी नहीं। और हमारे मन में उनके लिए इतने हमदर्दी भी नहीं है कि हम यहाँ रुके। और तू
हैसियत में रहा कर, देवरानी है। जेठानी का हाथ पकड़ने से पहले 10 बार सोचा कर। चल करुणा। सही नहीं किया और ना ही जैसा भाई तुम सही कर रही हो।